नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं नीरज। बिहार के लखीसराय जिले में एक आसिक ने सोमवार की सुबह बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना कवैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला की है, जहां आसिक ने छठ घाट से लौट रहे प्रेमिका सहित पूरे परिवार के 6 सदस्यों को गोली मारकर हत्या कर दी। आसिक आशीष चौधरी द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में जख्मी दुर्गा झा की भी मौत हो गई। सोमवार की रात में पटना में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दुर्गा झा का भाई चंदन झा एवं राजनंदन झा की पहले ही मौत हो चुकी थी। पिता शशिभूषण सिंह, दो भाभी प्रीति देवी एवं लवली देवी अभी पटना में ही इलाजरत हैं। वहीं सोमवार को पुलिस ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में हुई घटना पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का मामला है। फायरिंग करने वाले आरोपित युवक आशीष चौधरी ने 5 साल पहले ही दुर्गा कुमारी से शादी की थी। आशीष चौधरी को इस दौरान पता चला कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है, जिसके चलते पति पत्नी के बीच विवाद होता रहा। इसके चलते बात यहां तक पहुंच गई। वहीं पुलिस ने आगे बताया कि कल आशीष चौधरी द्वारा लिखित 10 पन्नों का एक नोट बरामद हुआ है। इसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया है। आशीष चौधरी के 4 सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापामारी कर रही है और उस कोशिश कर रही है कि किसी तरह पूरी बात सामने आ जाए। 20/11/2023 की घटना है। लखीसराय शहर के कवैया ओपी के अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला है। वहीं पर आशीष चौधरी और दुर्गा झा दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतरंग संबंध पहले ही से रहे हैं और ये दोनों साथ रह रहे थे। इसी कारण से कल ये घटना घटी है कि आशीष चौधरी ने छठ पर्व की समाप्ति के उपरांत सुबह करीब 7:30-8 बजे छठ घाट से अर्घ दे के लौटने के बाद ये गोलीबारी की घटना दुर्गा झा के घर के समीप की गई है। इस गोलीबारी की घटना में कुल 6 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें अभी तक दुर्गा झा लड़की का देहांत कल पटना में हुआ है और उसके जो दो भाई थे चंदन झा और राजनंदन झा, इनकी घटना सपन मृत्यु हो गई थी। कुल 3 लोग अभी तक इसमें मृत हो गए हैं। बाकी जो 3 लोग हैं, दुर्गा झा लड़की के पिता शशिभूषण झा और उसकी भाभी लवली झा जो कि राजनंदन झा उसके मृत भाई की पत्नी है और उसकी एक और बहन प्रीति झा, ये अभी जख्मी का इलाज पटना में चल रहा है। पूरे घटनाक्रम के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन दोनों के बीच, आशीष चौधरी और दुर्गा झा के बीच, काफ़ी पहले से प्रेम संबंध था और इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। कहीं ना कहीं उनके परिवार के दोनों की रजामंदी भी थी। जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, इसमें लड़के के परिवार वाले भी हैं और लड़की के परिवार वाले भी हैं, लेकिन किसी कारण से फिर अनबन हुआ इन दोनों में, जिसके फलस्वरूप ये घटना घटी है। और उनके घर से, घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है। नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफ़ी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफ़ी मानसिक प्रताड़ित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। दुर्गा झा के लिए उसने उसको कोचिंग में रख के पटना में पढ़ाया, नाला रोड में, उसका भी जिक्र उस डायरी में आप लोग देखेंगे, और हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में रख के कोचिंग करवाया बैंकिंग के लिए। अपना हिस्से की जमीन उसने बेच दी अपने भाई के नाम से, उस पैसे से उस दुर्गा झा को पटना में रख के पढ़ाया और सारा पैसा खत्म कर दिया। और इसके बाद वो लड़की को कैसे दुराव उससे हुआ, इसकी जिक्र भी उस डायरी में है। और उसके परिवार वाले ने फिर बाद में उसको तनिष्क का एक शोरूम है हथुआ मार्केट में पटना में, वहाँ सेल्समैन के रूप में उस लड़की को रखा। और इस डायरी में जो अंकित है कि लड़की वहाँ जब काम कर रही थी दुर्गा झा, तो वहाँ फिर किसी और लड़के से उसका अंतरंग संबंध हो गया है। और इसकी जानकारी जब आशीष चौधरी को हो गई है, तो इसके बाद इसने इतना बड़ा कदम उठाया है। और इसमें जो उसने अपना 15 पृष्ठों में जो बयान दर्ज किया है अपना, उसमें इसने उल्लेख किया है कि कई काफ़ी सोच विचार करने के बाद, काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद ये घटना उसने किया है। और ये घटना तो जघन्य है, लेकिन पुलिस इसमें काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए, इसमें जिसने लाइनर की भूमिका निभाई है, जिस लड़के ने, उसका नाम है राजन पासवान उर्फ समीर राज, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। पूरे CDR के लोकेशन से, वैज्ञानिक अनुसंधान से यह साबित हो गया है कि पूरा घटना का लाइव लोकेशन आशीष चौधरी को ये समीर पासवान दे रहा था।
सीडीआर से ये बात प्रमाणित है कि हर 15 मिनट पर 20 मिनट पर चार कॉल है, 7 बजे से लेकर 7:30 के करीब, 7:45 के करीब तक कॉल से बताते गया है। और घटनास्थल पर इसी के लाइव लोकेशन देने पर वहां पर पहुंच के आशीष चौधरी ने गोलीबारी की घटना की गई है। तो इसमें लाइनर की भूमिका निभाने वाले समीर राज और राजन की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उमेश साव की, जिसके बारे में अनुसंधान में और साक्ष्य आए हैं और उस पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है साक्ष्य को संपुष्ट करने के लिए। इसके अतिरिक्त अन्य लोग पर भी अभी पुलिस की नज़र है, जो अनुसंधान में जो तथ्य आए हैं उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। किसी भी कीमत पर हम लोग आशीष चौधरी को छोड़ने वाले नहीं है। ये घटना उसने किया है, मानसिक रूप से भले ही प्रताड़ित हुआ हो लेकिन घटना जघन्य है और अपराध के दृष्टिकोण से ऐसी घटना को पुलिस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इस पर हम लोग काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। रात में भी रेड हुआ है, आज भी आशीष चौधरी के जो संभावित ठिकाने हैं पुलिस के नज़र में उस पर पुलिस की टीम जा चुकी है और दूसरी कुछ टीम भी रवाना हो रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए और उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग आशीष चौधरी को भी पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे और आशीष चौधरी को निश्चित रूप से पुलिस पकड़कर कार्रवाई। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ, साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।